भर्ती सचिव से मुलाकात, जल्द कार्रवाई होगी, नियुक्ति मिल सकती है होली से पहले, बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। और तो दूसरा, शिक्षक भर्ती फंसाने का प्लान पहले से, इस वीडियो में जानेंगे किस शिक्षक भर्ती को फंसाने का प्लान है। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट बोल ऑनलाइन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। लगातार अभ्यर्थी 3 दिनों से धरना दे रहे हैं और धरना अनवरत जारी है। तो यहाँ से सचिव से मुलाकात भी हुई उनके टीम से और उन्होंने क्या कहा, जो पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं किस भर्ती को फंसाने का प्लान है। इस भर्ती को लटकाने का इंतजाम परीक्षा से पहले ही हो गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बचे हैं सिर्फ 2 सदस्य, नहीं ले सकते फैसला। 34 विषयों के लिए 1,017 पदों पर होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो ये इलाहाबाद से बहुत बड़ी खबर है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 6 महीने पहले आवेदन कर चुके 90,159 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। लेकिन भर्ती करने वाले उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग UPSC का भविष्य ही अधर में है। आने वाले दिनों में यह भी संभव है कि आयोग खत्म हो जाए। तो आने वाले दिनों में यह भी संभव है कि जो आयोग है वो ही खत्म हो जाए। फिलहाल भर्ती को लेकर अभ्यर्थी चिंतित हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में आयोग ने करोड़ों रुपए लिया और भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की, इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। फैसला कौन लेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र तैयार करा लिया गया है जिस पर आयोग ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए एक परीक्षा और साक्षात्कार होना था। फरवरी में परीक्षा कराने की तैयारी थी लेकिन योजना पर तब पानी फिर गया जब फरवरी से पहले हफ्ते में ही आयोग के अध्यक्ष ईश्वर सरल विश्वकर्मा, सदस्य रजनी त्रिपाठी और कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया। इनके जाने के बाद आयोग में महज कोई बचा नहीं है। तो 2 सदस्य बचे हैं। तो ये अब अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर चुके हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनको इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखना ये क्या फैसला करते हैं कि क्या ये भर्ती पूरी होगी या फिर नए आयोग के चक्कर में पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर शिक्षक भर्ती को लेकर। विशेष PNP ऑफिस के समक्ष धरना देते हैं उत्तर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, लगातार धरना दे रहे हैं। बता दो आश्वासन पर नहीं माने अभ्यर्थी, धरना जारी है। मतलब कि PNP सचिव से मुलाकात हुई लेकिन फिर भी जारी है। तो विशेष शिक्षा की 69 शिक्षक भर्ती में 1 अंक के विवाद के चलते मेरिट से वंचित याची अभ्यर्थियों का धरना 3रे दिन बुधवार को भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिए जाने के संबंध में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के परीक्षण का कार्यकाल अंतिम दौर में है। जल्द ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि फाइनल सूची जारी कर लिखित कार्रवाई की जाए। धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, राम मिश्र आदि ने बताया कि जब तक लिखित कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक धरना चलता रहेगा। धरने पर प्रदेश भर से अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं अपने बच्चे लेकर आई हैं। धूप के कारण कुछ बच्चों को दिक्कत हुई जिससे उन्हें अस्पताल भेजकर उपचार कराया जा रहा है। तो लगातार उत्तर कुंजी प्रकरण में होली से पहले बहुत कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं और सचिव की वार्ता से ये भी पता चल रहा है वो लगातार यही उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। और दूसरा, वहीं पर दूसरी ओर 6800 को लेकर, नियुक्ति को लेकर और 13156 को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के कॉल लिस्ट में न आने से अभ्यर्थी निराश है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द OP शुक्ला जी अपने केस को फाइनल ऑर्डर केस को मेंशन करें और कॉल लिस्ट में जारी करें जिससे कि उनका ऑर्डर सुनाया जाए, जिससे कि उनको न्याय मिल पाए। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक जारी हो सकता है लेकिन फिलहाल सूत्रों से पता चल रहा है, उसमें यही सुनने में आ रहा है कि होली के बाद में ही कहीं ना कहीं आप लोगों को आदेश देखने को मिलेगा। उससे पहले बहुत ही कम चांस बचे हैं। फिर भी कोई अपडेट मिलती है तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।